नए मोटर व्हीकल एक्ट लागू होने से नाराज यूनाइटेड फ्रंट ऑफ ट्रांसपोर्टर एसोसिएशन समेत 51 संगठनों ने आज दिल्ली एनसीआर में हड़ताल का ऐलान किया है। इसकी वजह से करीब 25,000 ट्रक, 35,000 ऑटो, 50,000 टैक्सी और कैब नहीं चलेंगी। एसोसिएशन ने सरकार से बढ़े हुए चालान की राशि वापस करने, ड्राइवरों की सुरक्षा, इंश्योरेंस समेत कई मांगे सामने रखी हैं। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर अब से कुछ देर पहले कुछ लोग टैक्सी ड्राइवरों को सवारी बिठाने से रोकते हुए नजर आए। हड़ताल समर्थक ट्रांसपोर्टरों का कहना है कि वो किसी को भी टैक्सी या ऑटो का इस्तेमाल नहीं करने देंगे। कुछ लोगों को तो जबरन टैक्सी से उतार दिया गया। इनका कहना है कि हड़ताल की सफलता के लिए ये जरूरी है। यूनाइटेड फ्रंट ऑफ ट्रांसपोर्टर एसोसिएशन की हड़ताल से दिल्ली एनसीआर वालों की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। आज ऑटो टैक्सी, ओला उबर के साथ साथ प्राइवेट स्कूलों की बसें भी बंद रहेंगी। स्कूलों से जुड़े कई ट्रांसपोर्टर भी हड़ताल में शामिल हैं। हड़ताल को देखते हुए दिल्ली एनसीआर के कई स्कूलों में आज छुट्टी कर दी गई है। 22 सितंबर को अमेरिका में पीएम मोदी और राष्ट्रपति ट्रंप के कार्यक्रम हाउडी मोदी को लेकर पाकिस्तान बौखलाया हुआ है। सूत्रों के मुताबिक कार्यक्रम के दौरान पाकिस्तान बड़े विरोध प्रदर्शन की तैयारी कर रहा है। इमरान खान ने अपने खास सलाहकार जुल्फी बुखारी को इसका जिम्मा सौंपा है। अमेरिका पहुंचे बुखारी ने कार्यक्रम में अड़ंगा डालने के लिए पाकिस्तान ग्लोबल फाउंडेशन और खालिस्तान समर्थकों से मुलाकात की है। पाकिस्तान ने पीएम मोदी के अमेरिका जाने और आने के दौरान उनके प्लेन को अपना एयर स्पेस देने से इनकार कर दिया है। भारत सरकार ने एयर स्पेस देने के लिए पाकिस्तान से अनुरोध किया था। पाकिस्तान ने इससे पहले राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के यूरोप दौरे के दौरान भी अपना एयर स्पेस इस्तेमाल नहीं करने दिया था। आतंकवाद के मुद्दे पर यूरोपीय यूनियन ने भारत का समर्थन किया है। ईयू ने कहा है कि भारत में आतंकी चांद से उतरकर नहीं बल्कि पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान से आते हैं। साथ ही यूरोपीय संसद ने जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाने के भारत के फैसले को उसका आंतरिक मसला बताया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज महाराष्ट्र के दौरे पर रहेंगे। राज्य में होने वाले विधानसभा चुनाव को देखते हुए इसे काफी अहम माना जा रहा है। अपने दौरे के दौरान पीएम नासिक में एक रैली को संबोधित करेंगे, जहां पर सीएम फडणवीस सरकार की महाजनादेश यात्रा का समापन होगा। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी आज गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात कर सकती हैं। ममता ने शाह से मुलाकात के लिए वक्त मांगा है। ममता ने कल पीएम मोदी से मुलाकात की थी। इस दौरान ममता ने पीएम मोदी को मिठाई और कुर्ता गिफ्ट में दिया था। मुंबई में इस साल हो रही मॉनसून की बारिश ने पिछले 50 सालों का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। मौसम विभाग ने मुंबई और आसपास के इलाकों के साथ साथ रायगढ़, पुणे, सतारा में भी भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 24 घंटों के दौरान यहां पर 204 मिलीमीटर तक बारिश हो सकती है। मुंबई, ठाणे, नवी मुंबई, पालघर और कोंकण में भारी बारिश को देखते हुए इन इलाकों के स्कूलों में छुट्टी घोषित कर दी गई है। महाराष्ट्र के शिक्षा मंत्री आशीष शेलार ने ट्विटर पर ये जानकारी दी है। मौसम विभाग का कहना है कि आज मुंबई और आसपास के तटीय इलाकों में 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चलेगी। कोलकाता के पूर्व पुलिस कमिश्नर और शारदा चिट फंड घोटाले पर सवाल पूछने पर ममता बनर्जी भड़क गई। दिल्ली में पत्रकारों से बातचीत के दौरान राजीव कुमार का सवाल पूछने पर ममता बीच में ही चली गई। आज सुप्रीम कोर्ट में राम मंदिर सुनवाई का 27वां दिन है। हालांकि सूत्रों के मुताबिक अयोध्या केस का फैसला 17 नवंबर से पहले आ सकता है। कोर्ट ने सभी पक्षों को 18 अक्टूबर तक अपनी दलीलें पूरी करने को कहा है। कोर्ट ने कहा है कि अगर जरूरी हुआ तो शनिवार को भी मामले की सुनवाई हो सकती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में बुधवार को हुई बैठक में कैबिनेट ने ई सिगरेट पर पाबंदी का फैसला लिया। इसके साथ ही कैबिनेट ने फैसले पर अमल के लिए प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। कैबिनेट ने भारत में ई सिगरेट के उत्पादन, बेचने, इंपोर्ट, एक्सपोर्ट, ट्रांसपोर्ट, बिक्री, डिस्ट्रीब्यूशन, स्टोरेज और विज्ञापन पर प्रतिबंध लगा दिया है और नियमों के उल्लंघन पर 1 साल तक की जेल और 1 लाख रुपए के जुर्माने का प्रस्ताव दिया है। राहुल गांधी के वीर सावरकर के खिलाफ ट्वीट करने के केस की जांच अब मुंबई पुलिस करेगी। मुंबई में मजिस्ट्रेट कोर्ट ने ये आदेश दिया है। राहुल गांधी के मुंबई की भोईवाड़ा कोर्ट में गैर हाजिर रहने की वजह से कोर्ट को ये फैसला लेना पड़ा है। 2016 में राहुल गांधी ने वीर सावरकर के खिलाफ आपत्तिजनक ट्वीट किया था।
महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी और शिवसेना के बीच तल्खी बढ़ गई है। शिवसेना कम सीटों पर मानने को तैयार नहीं है। शिवसेना अपने लिए कम से कम 144 सीटें मांग रही है, वहीं बीजेपी शिवसेना को 120 सीटें देना चाहती है। महाराष्ट्र में विधानसभा चुनावों की घोषणा जल्द होने वाली है। चुनावों को लेकर केंद्रीय चुनाव आयुक्त सुनील अरोड़ा ने मुंबई में प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। अरोड़ा ने कहा है कि आने वाले त्योहारों और बच्चों के मिड टर्म एग्जाम को देखते हुए चुनावों की तारीख तय की जाएगी। चुनाव आयोग ने बैलेट पेपर से चुनाव कराने की विपक्ष की मांग को फिर से ठुकरा दिया है। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव की तैयारियों का जायजा लेने मुंबई पहुंचे मुख्य चुनाव आयुक्त सुनील अरोड़ा ने कहा है कि बैलेट पेपर से चुनाव कराना अब संभव नहीं है, ये अब इतिहास है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज तेजस फाइटर जेट में उड़ान भरेंगे। राजनाथ सिंह की उड़ान बेंगलुरु में होगी। तेजस हल्का फाइटर जेट है जिसे हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने तैयार किया है। HAL को 83 तेजस फाइटर जेट्स को बनाने का ऑर्डर मिल सकता है जिनकी कीमत 45,000 करोड़ रुपयों से ज्यादा होगी। भोपाल में हाई प्रोफाइल हनी ट्रैप का खुलासा हुआ है। इस मामले में 3 लड़कियों को हिरासत में लिया गया है जिनसे ATS और IB की टीम पूछताछ कर रही है। जानकारी के मुताबिक आरोपी लड़कियों को सूबे के एक पूर्व मंत्री के हाई प्रोफाइल सोसाइटी में बने बंगले से हिरासत में लिया गया है। जानकारों के मुताबिक इस हाई प्रोफाइल हनी ट्रैप में कई नेताओं और अफसरों के फंसे होने की आशंका है। हालांकि इस केस की परतें खुलना बाकी हैं, लेकिन सियासी गलियारों में हलचल तेज हो गई है कि आखिर वो कौन से नेता और अफसर हैं जिन्हें ब्लैकमेल करने की आशंका जताई जा रही है। पुलिस पूरे मामले में कुछ भी कहने से बच रही है। पाकिस्तान में हिंदू लड़की नम्रिता चांदनी की मौत पर न्याय दिलाने के लिए सोशल मीडिया पर जस्टिस फॉर नम्रिता कैंपेन चलाया जा रहा है। पाकिस्तान के पूर्व तेज गेंदबाज शोएब अख्तर ने भी इस पाकिस्तान के सिंध प्रांत में हिंदू लड़की नम्रिता चंदानी के मर्डर के विरोध में कराची में अल्पसंख्यक हिंदुओं ने कैंडल मार्च निकाला। मार्च में मौजूद लोगों ने जालिमों जवाब दो, खून का हिसाब दो का नारे लगाए। ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण की रिपोर्ट पर यूपी रेरा ने बड़ी कार्रवाई की है। रेरा ने ग्रेटर नोएडा में 16 बिल्डरों का रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर दिया है। रिपोर्ट के मुताबिक शाहबेरी के 16 बिल्डरों ने रेरा रजिस्ट्रेशन के आधार पर निवेशकों और बैंकों को गुमराह किया, साथ ही बगैर नक्शा पास कराए इन बिल्डर्स ने कई बिल्डिंग्स बनाई हैं। समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। आजम खान पर अब सरकारी बिल्डिंग पर कब्जा करने के आरोप में केस दर्ज किया गया है। यूपी के रामपुर में दर्ज इस FIR में आजम के अलावा 4 और लोगों के नाम भी शामिल हैं। अब आपको दिल्ली पुलिस से जुड़ी कोई भी मदद या जानकारी के लिए भटकना नहीं पड़ेगा। दिल्ली पुलिस ने तत्पर नाम का एक ऐप शुरू किया है। इस ऐप में दिल्ली पुलिस की करीब 50 डिजिटल सेवाएं हैं। सिर्फ वन टच से किसी भी तरह की जानकारी लोगों को मिल जाएगी। गोरखपुर में इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन की LPG बॉटलिंग प्लांट की शुरुआत हुई है। केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान और यूपी के CM योगी आदित्यनाथ ने इस प्लांट का उद्घाटन किया। इसके साथ ही यूपी के पहले बायोफ्यूल प्लांट का भी शिलान्यास किया गया है जहां पर खरपतवार और कचरे से ईंधन बनाया जाएगा। मुंबई में बड़े गणेश पंडालों में इस साल भक्तों की संख्या और चढ़ावे में कमी आई है। लालबाग के राजा को पिछले साल जहां 6,35,00,000 रुपए दान में मिले थे, वहीं इस साल महज 6,05,00,000 रुपए ही आए हैं। इस साल सोने के आभूषण 4 किलो 200 ग्राम और चांदी के आभूषण 80 किलो मिले हैं, जबकि पिछले साल सोने के 5 किलो के आभूषण और 100 किलो चांदी का चढ़ावा चढ़ाया गया था। मुंबई के GSB गणपति पंडाल को पिछले साल करीब 8 करोड़ रुपयों का दान मिला था, जबकि इस साल 7.5 करोड़ रुपए का ही दान मिला है। भारत पाकिस्तान इंटरनेशनल बॉर्डर के पास BSF पुलिस और कमांडो दस्ते का सर्च ऑपरेशन तीसरे दिन भी जारी रहा। भारत पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय सीमा के पास सर्च ऑपरेशन में चप्पे चप्पे की तलाशी ली गई। सर्च ऑपरेशन में BSF जवानों, पुलिस और कमांडो दस्ते ने आधा दर्जन गांव में संदिग्ध जगहों पर जांच पड़ताल की। अतिक्रमण पर सख्त, उत्तराखंड हाईकोर्ट ने राजधानी देहरादून में सरकारी जगहों पर से अवैध कब्जा नहीं हटाने पर सरकार को अवमानना नोटिस भेजा है। कोर्ट के आदेश पर पिछले साल अवैध कब्जे को हटाने की मुहिम चलाई गई थी, लेकिन बीच में इसे रोक दिया गया। आदेश को नहीं मानने पर कोर्ट ने ये नोटिस भेजा है। साथ ही अफसरों को हर रोज प्रगति रिपोर्ट देने के लिए भी कहा गया है। पुलिस ने अरुण के पैतृक गांव में मौजूद घर पर नोटिस चिपकाया है।
जिसमें जल्द सरेंडर ना करने पर पुलिस कोर्ट से कुर्की और जब्ती की कार्रवाई की मांग करेगी। आरोपी विधायक के खिलाफ गिरफ्तारी का वारंट निकला हुआ है। यूपी में समाजवादी पार्टी के 3 एमएलसी जल्द ही बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। योगी आदित्यनाथ के साथ इन एमएलसी का वीडियो इन दिनों सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो में दिख रहे रमेश मिश्रा, पप्पू सिंह और सीपी चंद्र जल्द ही बीजेपी को ज्वाइन कर सकते हैं। मुंबई में भारी ट्रैफिक से बचने के लिए सुपरस्टार अक्षय कुमार ने मुंबई मेट्रो में सफर किया। घाटकोपर में शूटिंग खत्म कर जब अक्षय वर्सोवा जा रहे थे तो वो जाम में फंस गए थे, जिसके बाद उन्होंने मेट्रो पकड़ी और 20 मिनट में वर्सोवा पहुंच गए। सोशल मीडिया में अक्षय ने अपने इस सफर का वीडियो भी शेयर किया है। पूरे बिहार में जबरदस्त बारिश हो रही है। मौसम विभाग की माने तो अगले 48 घंटे बिहार पर भारी पड़ने वाले हैं। दक्षिण बिहार में जबरदस्त बारिश का अनुमान जताया गया है। पिछले 24 घंटे के दौरान पटना और उसके आसपास के जिलों में खूब बारिश हुई है। तेज आंधी में पटना पुलिस लाइन में बरगद का पेड़ गिर गया, जिससे 8 जवान घायल हो गए। उफनती गंगा की वजह से गांवों में बाढ़ का पानी घुस गया है, तो वहीं कई गांवों का शहर से संपर्क टूट गया है। साथ ही गंगा के किनारे लगते और कई गांवों में बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। तो वहीं मुंगेर में एक दर्जन पंचायतों में हालात बेहद खराब हैं। घरों में जहां पानी भर गया है तो वहीं खेतों में खड़ी फसल बर्बाद हो गई है। भारी बारिश के बाद पटना एम्स में पानी घुस गया है। अस्पताल में पानी घुसने से मरीजों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। मेडिकल स्टोर में पानी भर गया है, जिससे सभी दवाएं पानी से भीग चुकी हैं। अस्पताल में ऑक्सीजन सप्लाई और एसी सिस्टम में दिक्कत आ गई है। साथ ही पार्किंग में भी लगभग 6 फीट तक पानी भर गया है। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर और पूर्व सीएम शिवराज चौहान ने एमपी के बाढ़ प्रभावित इलाकों का हवाई दौरा किया है। दोनों ने श्योपुर, मुरैना और भिंड जिले का हाल जाना। बाढ़ और बारिश के चलते चंबल नदी उफान पर है, जिससे चंबल संभाग में सबसे ज्यादा तबाही नजर आई है। केंद्रीय राहत दल की एक टीम आज मध्य प्रदेश का दौरा करेगी। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के संयुक्त सचिव संदीप पौंड्रिक के नेतृत्व में 7 सदस्यों की टीम न सिर्फ बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा करेगी, बल्कि भोपाल में अधिकारियों के साथ बैठक भी करेगी। जानकारी के मुताबिक एमपी में बारिश और बाढ़ से करीब 16 लाख हेक्टेयर फसल बर्बाद हुई है। मध्य प्रदेश में बाढ़ से पीड़ित किसानों को मुआवजा देने की मांग को लेकर बीजेपी आज पूरे सूबे में प्रदर्शन करेगी। बीजेपी का आरोप है कि कमलनाथ सरकार ने न तो पीड़ित किसानों को राहत देने के लिए कोई कदम उठाया है और न ही फसल नुकसान का आकलन कर रही है। मध्य प्रदेश में लगातार भारी बारिश हो रही है। राजधानी भोपाल में 39 साल में सबसे ज्यादा बारिश रिकॉर्ड की गई। इसके साथ ही मौसम विभाग ने 13 जिलों में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। लगातार हो रही बारिश से सूबे में कई नदियां उफान पर हैं। उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में भारतीय किसान यूनियन ने अपनी मांगों को लेकर कलेक्ट्रेट परिसर में धरना प्रदर्शन किया। इस दौरान हजारों की तादाद में किसान मौजूद रहे। गन्ने की कीमत के भुगतान, बिजली की समस्या सहित अन्य मांगों को लेकर जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा गया। राजस्थान पुलिस ने जयपुर से 4,77,00,000 रुपए के नकली नोट बरामद किए हैं। इसके साथ ही 2 लोगों को भी गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने नकली पिस्टल और एटीएम भी जब्त किए हैं। 500 और 2000 के ये नकली नोट दिखने में बच्चों के खेलने वाले नोटों की तरह हैं। मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ से 2 डॉक्टरों के बीच मारपीट की शर्मनाक तस्वीरें वायरल हो रही हैं। यहां के एक सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में कुर्सी को लेकर दोनों डॉक्टरों में जमकर मारपीट हुई है। मारपीट में एक डॉक्टर को गंभीर चोटें आई हैं। भारी बारिश के बाद पटना एम्स में पानी घुस गया है। अस्पताल में पानी घुसने से मरीजों को गुजरात के राजकोट में रोटी बनाने की प्रतियोगिता रखी गई। इस प्रतियोगिता में 200 महिलाओं ने भाग लिया। सबसे तेज और ज्यादा रोटी बनाने वाली महिला को बाद में इनाम दिया गया। एक एनजीओ ने इस प्रतियोगिता का आयोजन किया था। प्रतियोगिता के दौरान बनी रोटियों को रोटी बैंक को दान दे दिया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में कैबिनेट ने रेलवे कर्मचारियों को बड़ा तोहफा दिया है। इस साल भी रेलवे कर्मचारियों को 78 दिन का वेतन बोनस के तौर पर दिया जाएगा।